ग्वालियर में एक महिला के घर में घुसकर धमकाने वाले एक युवक का पुलिस ने जुलूस निकाला। आरोपियों में पुलिस का खौफ रहे, इसलिए पुलिस ने घटनास्थल तक आरोपी का जुलूस निकाला। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले महिला के घर में घुसकर युवक ने महिला को धमकाया था। महिला ने युवक से फोन पर बात करना बंद कर दिया था। इससे नाराज होकर युवक महिला के घर जाकर धमकाया। मौके पर महिला का पति पहुंचा तो आरोपी ने खुद को गोली मारकर घायल कर दिया और आरोप महिला के पति पर लगाया था। घर में लगे सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस ने आरोपी के अन्य 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तीन दिन पहले ये विकास परिहार ये इस घर में घुसा था और घर में घुस के जो महिला है उसको धमकाया इसने और कट्टा निकाल के 315 बोर का कट्टा निकाल के उसी के सामने राउंड लगाने लगा। महिला घबरा गई, उसने जैसे तैसे इसको कमरे में बिठाला और कुंडी लगा दी इसको कमरे में बिठा के, और उसने अपने पति को और परिवार के अन्य लोगों को सूचना दी। सभी लोग यहाँ आ गए। जब इसने देखा कि हमको यहाँ घेर लिया गया तो इसने जो है अपने 315 बोर के कट्टे से अपने आप को इसने घायल कर लिया। इसने इसके पीछे इसका मकसद था कि हम महिला के पति पर 307 का आरोप लगा दें। और इसके बाद पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस आ गई। पुलिस ने इसको मैं कट्टे के 315 बोर कट्टे के यहाँ पकड़ा और वो राउंड कट्टा सभी जब्त किया।